तेतरिया मोड़, नबीनगर, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट बिहार में जो कल 4 लोगों की मॉब लिंचिंग हुई है, कहा जाता है कि एक शख्स को गोली मारी गई है और 3 लोगों को लोगों ने पीट पीट कर मार डाला है। ये बिहार सरकार के लिए शर्म से डूब मरने का वाकया है। ये मॉब लिंचिंग के वाकयात हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज बिहार में बाकी नहीं रही है। तहकीक करने की जरूरत है कि आया वो गोली चलाने वाला कौन था और ये मॉब लिंचिंग करने वाले कौन हुए। उसमें से मॉब लिंचिंग जिन लोगों की हुई है, उनके जमात का एक साथी अभी हॉस्पिटल में है। उसने खुद कहा है कि हम लोग कोई गोली नहीं चलाया। और ये बात अकल से भी अजीब लगती है कि एक आदमी दूसरे रियासत में, दूसरे सूबे में आता हो और वो अजनबी जगह पर इस तरह की हिमाकत नहीं कर सकता, एक अंदाजा है। लेकिन पुलिस की जिम्मेदारी है कि तहकीक करे। लेकिन उन लोगों की जो मॉब लिंचिंग हुई है, तो वही के लोगों ने किया है, उनकी गिरफ्तारी अब तक क्यों अमल में नहीं आई? ये बिहार सरकार के लिए बड़ा सवाल है। क्या वोट के खातिर, क्या मासूमों का, बेकसूरों का, अकलियतों का खून पानी की तरह से बहेगा और कोई इंसाफ नहीं मिल पाएगा? क्या अदालत सिमट चुकी है? क्या अदालत के फैसले लोग गली कूचों में करने लगेंगे और हुकूमत तमाशा ही बनी रहेगी और पुलिस तमाशा भी बनकर रहेगी? ये तो बिहार के लॉ एंड ऑर्डर के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम कम्युनलिज्म से, हम करप्शन से और हम क्राइम से कोई समझौता नहीं करेंगे। ये आया, ये क्राइम है या नहीं है? ये क्राइम सिर्फ उन लोगों का नहीं है जिन लोगों ने मॉब लिंचिंग की है। ये क्राइम सिर्फ उसका नहीं है जिसने किसी पर गोली चलाई है। ये क्राइम उन तमाम तर लोगों का है जो लोग इस पर लेपापोथी कर रहे हैं, और इस क्राइम में पुलिस भी शामिल है जो अब तक मॉब लिंचर्स को अब तक इन लोगों ने गिरफ्तार नहीं किया है। तो फौरी तौर पर उसकी गिरफ्तारी हो, आला सतही जांच हो, मरने वाले बेकसूर साबित हो तो उनके घर घराने को 50-50 लाख का मुआवजा दिया जाए। और पुलिस अब तक क्यों गफलत बरत रही है, इस पर कार्रवाई की जाए और तहकीक किया जाए। क्या जो खबरें आ रही है कि गोली किसने चलाई है और गोली किन हालत में चली है, ये पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज है कि फौरी तौर पर इसकी तहकीक करें। टीवी और होम मिनिस्ट्री से गुजारिश कर रहा हूं कि बिहार में मुख्तलिफ आबाद, खास करके भोजपुर के इलाके में, भोजपुरी गीत में मुसलमानों को, मुसलमानों की इबादत को टारगेट करके बड़े फोहर किस्म के गीत, नांगा में नमाज जैसी बातें कहकर कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय को आहत करने का प्रयास किया जा रहा है एक सेकुलर स्टेट में। और मुख्यमंत्री जहां कहते हैं कि इंसाफ के ऊपर आनी है, उस स्टेट में इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। हमारा सेकुलरिज्म हमें पढ़ाता है कि अपने धर्म के आदर्शों का पालन करो और दूसरे के धर्मों का आदर करो। हमें दूसरों का आदर करना चाहिए, अपने धर्म का पालन करना चाहिए। और इस तरह के जो अभद्र वाकयात हो रहे हैं, हुकूमत को फौरी तौर पर इसकी खबर लेनी चाहिए। स्थानीय एसपी और डीएम की जिम्मेदारी होती है कि इस तरह फोहर गीत जो समाज में कहीं तनाव का सबब बनते हों, उस पर फौरन पाबंदी लगाई जानी चाहिए। और जिन लोगों ने इस गीत को गाया है और उसको जिसने सोशल मीडिया पर चलाया है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। एमआईएम बिहार में अमन सुकून चाहती है। बिहार की हुकूमत से यहाँ के दलितों को, अकलियतों को, तमाम मजाहब के लोगों को तहफ़ फराहम करने का मुतालबा करती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वजीर आला मोहतरम इस ताल्लुक से फौरी तौर पर पुलिस के आला अधिकारियों को हिदायत करेंगे और इस तरह के वाकयात बिहार में न हो, इसकी सख्ती से वो कार्रवाई करेंगे।